हेलो डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे माइंड मैपिंग क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए, जो आपके एचएससी इंग्लिश के बोर्ड पेपर में आने वाला है। अगर आपका इंग्लिश का पेपर है, बोर्ड एग्जाम है 21 फरवरी को, तो कैसे सॉल्व करना है माइंड मैपिंग को, वो सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको ये 3 में से 3 मार्क्स कैसे स्कोर करना है, अगर आपको पता करना है, तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए क्या करना क्या है। तो सबसे पहले ना, माइंड मैपिंग के 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो कोशिश करेंगे दोनों टाइप के क्वेश्चंस कैसे होते हैं इसी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। जब भी आप माइंड मैपिंग का क्वेश्चन करोगे, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है जो यहाँ पे बताई गई है। सबसे पहले आपको क्लियरली इंस्ट्रक्शन पढ़ना है कि क्वेश्चन में बोलने क्या चाह रहे हैं। द मेन आइडिया इज क्रिस्टलाइज इन द सेंटर एंड द रेडिएट फ्रॉम इट्स ब्रांच। मतलब सबसे पहले उसका मेन आइडिया क्या है, उसको सेंटर में रखो, और बाकी जो क्या बोलना चाहता है उसको साइड में अपने को रखना होगा। ब्रांचेस, ईच ब्रांचेस कंटेन की आइडिया, ड्राइव आइडियाज और लेसर इंपॉर्टेंस फ्रॉम द ट्विक्स। जैसे कि फॉर एग्जांपल, आपका एक बॉक्स दिया रहेगा, उसके ऊपर 2 बॉक्स बनेगी ना, वैसे अभी हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। द ब्रांचेस फॉर्म द कनेक्टेड नोडल स्ट्रक्चर, मतलब वो मतलब कुछ तो होना चाहिए लिंक, उसके थ्रू ही उसके ब्रांचेस होना चाहिए। यू विल डेवलप द माइंड मैपिंग फ्रेम डिजाइनिंग यूजिंग द आइडियाज, थॉट, कंसेप्ट, इलस्ट्रेट, डेवलप, गिवन एक पॉइंट दिया रहेगा, उसके बेसिस पे करना रहेगा। दिस मे बी और मे नॉट बी कॉम्प्लीटेशन एक्सरसाइज, ये हो सकता है आपकी टेक्स्ट बुक में से लिया गया है, तो फिर आउट ऑफ होगा। मार्किंग स्किप कैसी होगी, जरा ध्यान देगी डियर स्टूडेंट्स। कवरिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसा अगर क्वेश्चन में बोला, अगर इसको आप फॉलो करते हो तो आपको 2 मार्क्स मिल जाएगी, और प्रेजेंटेशन का आपको 1 मार्क्स मिल जाए, तो इस तरह से टोटल हो गए 3 मार्क्स। अब हम देखते हैं आपको क्वेश्चन किस टाइप का आएगा, ठीक है। तो ये नॉर्मल क्वेश्चन है, ये मार्च 2022 में आ चुका है। क्वेश्चन क्या बोलने की कोशिश कर रहा है, ध्यान से समझेगी। डेवलप ए माइंड मैपिंग यूजिंग द आइडियाज एंड कंसेप्ट टू डेवलप द टॉपिक, है आपको सिर्फ टॉपिक दे दिया गया है, प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, आपको सिर्फ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट आपको बोला हुआ है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करना रहेगा, आपको सिर्फ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट बोला हुआ है, आपका क्वेश्चन क्या है, प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट। अब इसको सॉल्व कैसे करेगा आप लोग, प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट बोला है, इसको सॉल्व कैसे करना रहेगा। क्वेश्चन में सिर्फ आपको ये लिखा हुआ है, दिस इज योर क्वेश्चन पार्ट, ठीक है। एक बार मैं पूरा क्लियर कर देता हूं तो आपको हो जाएगा डाउट क्लियर। सो दिस इज योर क्वेश्चन, प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट दिखा यहाँ पर, ये आपका मेन क्वेश्चन है। मतलब आपको टाइम मैनेजमेंट के ऊपर कुछ माइंड मैपिंग करना है। यूजिंग टाइटल, सबसे पहले यूजिंग द टाइटल, कनेक्ट योर थॉट, आप इसको क्या टाइटल दोगे, टॉपिक को हेडिंग क्या दोगे, ठीक है। यूज ओन डिजाइन ब्रांचिंग, इसके ब्रांचिंग आपको अपने ओन से लिखना है। ट्राइंग मेक 2 or 3 main and 2 or 3 sub branches, मतलब सबसे पहले 2 या तो 3, उसके भी सब ब्रांचेस कितना करना है, 3, ये आपका पूरा क्वेश्चन है। अब इसका आंसर देखो कैसा लिखा हुआ है, अब यहां पे देखो आपको आंसर दिखेगा। क्वेश्चन में बोला था प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट, ठीक है, और उसमें क्या बोला था, क्लियरली 2 से 3 इसके ब्रांचेस होना चाहिए, और ब्रांचेस की भी सब ब्रांचेस होना चाहिए। सब ब्रांचेस क्या होता है, सबसे पहले मेन टॉपिक दिया था अपना टाइम मैनेजमेंट, प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट, यहां पर 3 चीज दिया है, प्रॉपर टास्क, प्रॉपराइज टास्क क्या करना है, गेट ऑर्गेनाइज, ट्रैक योर टाइम, ठीक है। अब प्रॉपराइज टास्क में क्या कर सकते हो, अर्जेंट गोल टैक्स, मतलब एक अर्जेंट गोल करना है, क्या होगा चीजें, ठीक है। एक और हो सकता है टास्क दैट कैन बी डिलेड और ओमिटेड, देखो टास्क आपने जो भी किया अर्जेंट है, अब ऐसे कुछ हो सकते हैं जिसको नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा और डिले, ये हो गया आपका प्रॉपराइज। अब जो आपने गेट ऑर्गेनाइज, प्लान योर डेज शेड्यूल, मतलब ये आज की आज करना होगा जैसा हो गया, और लर्न टू से नो, मतलब कोशिश करो ना ना बोलो, लर्न टू से नो। देन है एक और, ट्रैक योर टाइम, अपने टाइम को पता लगाओ, तो यहां पे दिया कीप ए डायरी, आप अपने टाइम को कैसा ट्रैक कर सकते हो, ये टाइम पे मुझे ये करना है। प्रिपेयर एंड स्टिक टू रफ टाइम टेबल, मतलब कोशिश करो एक टाइम टेबल बना लो, अपने पास में एक छोटी सी बुक रखो, उसमें लिखो, या तो आप अपने जहां भी स्टडी रूम होगा वहां पे आप इसको स्टिक करके रखो। कितना इजी था, आपको यहाँ पे आराम से 3 मार्क्स पूरे मिल जाएंगे। अब यहाँ पे 3 मार्क्स कैसे देंगे,
यहां से आपने इतना ये पूरा सब ब्रांचेस कर दी दो, और एक आपका ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होगा तो आपको कितना मिल जाएगा यहाँ पे टोटली 3 मार्क्स। इसको पूरा रफ कर दो तो एक बार और आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। अगर आपको उसका स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लो। पूरा 21 का हमारे पास में पीडीएफ है, जो भी स्टूडेंट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ रिक्वायरमेंट है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हो, आप अपने प्रैक्टिस सेशन कंटिन्यू रख सकते हो जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो दिस इज योर आंसर, वेरी सिंपल है। सिर्फ आपको ट्रे डायग्राम के थ्रू क्या करना है, कभी कभी डिफरेंट क्वेश्चन भी आता, तो आने वाले वीडियो में हम कोशिश करेंगे और कैसे सॉल्व कर सकते हैं माइंड मैपिंग को। इसमें आपको अपने ओन से भी यूज करना रहेगा, खाली आपको टॉपिक क्या दिया हुआ है प्रॉपर मैनेजमेंट, बाकी ये 3 पॉइंट हो गए, 3 सब ब्रांचेस हो गए और ये ब्रांचेस के सब ब्रांचेस। ठीक है, तो यहां से आपको 3 मार्क्स मिल सकते हैं। आने वाले टाइम पे आपको और इसके 2-3 वीडियो देखने मिलेगी। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहेगी दोस्तों। अगर इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करो और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।